डिसीजन मेकिंग मॉडल तो यहाँ पे बेसिकली तीन मेथड या फिर मॉडल हैं डिसीजन मेकिंग के सबसे पहला है क्लासिकल मॉडल दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और तीसरा है हर्बर्ट साइमंस मॉडल तो हर मॉडल को हम एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल मॉडल क्या होता है देखिए क्लासिकल मॉडल क्लासिकल यानी कि पुराना मॉडल है तो ये क्या है पुराना मॉडल है बेसिकली यही चीज़ें जो है सभी द्वारा फॉलो की जाती थी तो इसको हम रेशनल मॉडल भी कहते हैं ऑल्सो नॉन एज रेशनल मॉडल तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिसीजन मेकर होता है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड सभी जो पॉसिबल अल्टरनेटिव सोलूशन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है उसको एक्सेस करता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं हर ऑप्शन के क्या सिग्निफिकेंस हो गए उसको भी एक्सेस करता है और फिर लॉजिकली रेशनली बिना बायस्ड बिना किसी इ रेशनल मेथड के द्वारा जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सिलेक्ट करता है यानी कि लॉजिकली और रेशनली जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सिलेक्ट करता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो इसको क्या कहा जाता है क्लासिकल मॉडल कहते हैं इसको तो इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल यहाँ पर क्या होता है कि प्रिस्क्राइब किया जाए सजेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ये होगा और ये रेशनली होता है लॉजिकली होता है तो डिसीजन मेकर डिटेक्ट्स एंड एसेस ऑल दी पॉसिबल ऑप्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं सोल्यूशंस हो सकते हैं उसको सेलेक्ट करता है उसको एसेस करता है और उसके सिग्निफिकेंस को भी एसेस करता है देन लॉजिकली सेलेक्ट द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन और कोर्स ऑफ एक्शन फिर लॉजिकली जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सेलेक्ट करता है तो ये क्या है क्लासिकल मॉडल ये जो है आपको प्रोवाइड मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन या फिर बेस्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है तो यहां पर जो है क्लासिकल मॉडल में चार इंपॉर्टेंट एजम्पन्स होते हैं बेस्ड ऑन फोर हैंड जो क्लासिकल मॉडल है वो चार assumptions पे डिपेंड करता है सबसे पहली चीज एक क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे जो होगा क्लियरली डिफाइंड होगा यानी कि अनबायस्ड या फिर आधे प्रॉब्लम नहीं होगी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए प्रॉब्लम दूसरी है एलिमिनेट अनसर्टेनिटी यानी कि जिस चीज से भी रिलेटेड वहां पर अनसर्टेनिटी होगी जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ ये फ्यूचर में अनसर्टेन है उसके बारे में आप जो है गेस्ट नहीं कर सकते हो या फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो तो उसको आप रिमूव कर दोगे या फिर उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे यानी कि यहां पे अनसर्टेनिटी जैसी चीजें आप मेथड में नहीं रखते हो हर चीजों को जो है आप सर्टेन करने की कोशिश करते हो वो पूरी इंफॉर्मेशन और अनसर्टेन जो है वो सर्टेन कैसे होगा जब यू हैव एक्सेस टू फुल इफॉर्मेशन यानी कि जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे जमशन में क्या है क्लासिकल मॉडल की एसेस टू फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए एसेस है यानी कि आप जो है जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन उन सभी के ऑप्शन के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है अगर नहीं है तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रेशनल बिहेवियर ऑफ द डिसीजन मेकर यानी कि जो डिसीजन मेकर है वो रेशनल बिहेवियर शो करता है लॉजिकली जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सिलेक्ट करेगा ये नहीं कि उसको लगता है कि ऐसा कर लेना चाहिए तो ऐसा कर लेना चाहिए तो कर ले नहीं रेशनली जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सिलेक्ट करता है तो ये चार जो है बेसिक अजम्पन है क्लासिकल मॉडल के तो अगर आप इसको डायग्रमेटिकली समझें तो सबसे पहले क्या किया क्लासिकल मॉडल में एक प्रॉब्लम आएगी वैन फेस्ड कि जब भी उसको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो मैनेजर क्या करेगा ऑप्टेन कंप्लीट एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले क्या करता है वो कंप्लीट और परफेक्ट इंफॉर्मेशन लेता है यानी कि अनसर्टेनिटी को रिमूव कर रहा है एलिमिनेट अनसर्टेनिटी जब उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो अनसर्टेनिटी को रिमूव किया जा सकता है हैेशनली एंड लॉजिकली यानी कि जितने भी ऑप्शन है जितने भी अल्टरनेटिव हैं उन सभी को जो है वो जिकली और रेशनली इवॉल्युएट करेगा उसकी सिग्निफिकेंस को इवाल्युएट करेगा एंड देन एंड अब विथ ए डिसीजन दैट बेस्ट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ऑर्गेइजेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको क्या करता है वो सेलेक्ट कर लेता है तो यह क्लासिकल मॉडल होता है क्लियर अब नेक्स्ट मॉडल है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल तो देखिए यहां पर जो क्लासिकल मॉडल हो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में यहां पर बस एक ही माइनर सा डिफरेंस है दैट इज की वहां पर क्या था आपके पास यानी कि जो डिसीजन मेकर होता है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में क्या होता है बाउंडेड होता है इसको हम बाउंडेड रेशनल मॉडल भी कहते हैं तो यहां पर क्या होता है कि इनकम्प्लीट इेशन जो है अवेलेबल होती है और जो डिसीजन मेकर होता है ना उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं क्लासिकल मॉडल में क्या वो free था वो फ्री था वो कंप्लीट इफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है और अनसर्टिटी को रिमूव करता है और जो बेस्ट पॉसिबल सोलूशन है वो उसको एक्सेप्ट करता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में यहां पर रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि आपको जो है लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है आपको लिमिटेड जो है गाइडलाइंस होती है उसके अंदर ही जो है आपको डिसीजन मेकिंग लेना होता है तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होता है वो ऐसे पॉसिबल सोलूशन को सेलेक्ट करने की कोशिश करता है जो सभी को सेटिसफाई सके अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय भी हैं कस्टमर भी हैं स्टेक होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं तो सबको आपको जो है मॉनिटर करना होता है सबको आपको देखना होता है तो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी लोग सेटिसफाई हो तो यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में होता है वो सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है क्लासिकल मॉडल में क्या है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है सेटिसफैक्ट्री सोलूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन ऐसा ऑप्शन जो सभी को सेटिसफाई करे तो यहाँ पे जो है ये भी कुछ ऑब्जेंप्सन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में होते हैं तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्टेड बाई गोल ऑफ ऑर्गेनाइजन यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो जो ऑर्गेनेशन का गोल होता है उससे रेस्ट्रिक्टेड होता है दूसरा गोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेइेशन लाइक एम्प्लॉई कस्टमर एटसेट्रा बाउंड द डिसीजन एंड रिजल्ट इन कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो गोल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट है उन सभी को कंसीडर किया जाता है और ऐसा पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है जिससे कि सभी को जो है वहां पे सेटिस्फैक्शन मिले तो डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव के लिए नहीं होती है हिंस नॉट एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस तो यहां पर जब आपके पास सभी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है किसी भी ऑप्शन का किसी भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन का वो आपको यहाँ पे यानी कि डिसीजन मेकर को पता नहीं होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में कुछ एजम्शन होते हैं कि गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड होता है बाउंडेड होता है सभी को कंसिडर किया जाता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस को यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता यानी कि आप अनसर्टेटी को यहां पर रिमूव नहीं कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर तीन स्टेप हो गया पहला कि वैन फेस्ड विद अ डिसीजन सिचुएशन मैनेजर्स एक्चुअली तो यहां पे क्या हो गया सबसे पहली चीज कि आपके पास प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम के लिए आपको डिसीजन लेना होगा तो अब वो क्या करेगा यूज इनकम्प्लीटेड इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि जो मैनेजर है वो इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और वहां पर जो क्या करेगा वहां पर उसको बाउंडेड रेशनैलिटी भी होगी आर कंस्टेंट बाई बाउंडेड रेशनैलिटी टेंड टू सेटिस्फाइज यहां पर क्या मतलब हो गया कि यहां पर कोशिश होता है मैनेजर का जो डिसीजन मेकर होता है उसकी कोशिश ये होती है कि एक ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए जिससे कि जो सभी लोग हैं सभी एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी को सेटिस्फाई किया जा सके क्लियर तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं होती यहाँ पे बल्कि ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश होती है जो सभी को सेटिस्फाई कर सके सभी जो एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी को जो है कंसिडर किया जाता है यहाँ पे तो बाउंडेड होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है कंस्टेंट होता है क्या कंस्टेंट होता है कि उसको बाउंडेड रेशनलैलिटी दिखानी है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है जो रेस्ट्रिक्शन हो उसी के अंदर जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर करना होता है तो एंड एंड अप विथ हर डिसीजन दैट मे और मे नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यहां पे एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जो कि सर्व भी कर सकता है या फिर सर्व नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्यों क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल उससे अचीव हो या फिर ना हो वहीं पर तीसरा मॉडल है हर्बर्ट साइमंस मॉडल तो यहां पर जो है इस मॉडल में तीन स्टेजेस बताए गए हैं यानी कि ये तीन स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग किया जाता है तो हर्बर्ट साइमन जो कि

इंटेलिजेंस डिज़ाइन एंड चॉइस ये तीन स्टेज है तो इंटेलिजेंस यानी कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायमेंट द इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम बाय स्कैनिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वॉर्यमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहला काम क्या करता है जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो आप पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हो वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉर्मेंट है वो सारी चीज़ों को आप क्या करते हो यहाँ पर कलेक्ट करते हो कलेक्ट इफॉर्मेशन अबाउट द इशूज फ्रॉम द इन्वायॉर्यमेंट जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज और जो भी थ्रेड्स हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है अब आपके पास सभी इंफॉमेशन आ गई तो अगला काम क्या होगा आप डिजाइन करोगे डिजाइन करने का मतलब क्या हो गया यहां पर कि डिसाइड ऑन द क्राइटेरिया बाई विच टू मेक द डिसीजन यानी कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर डेवलप एंड इवालुएटेड यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड अब आप क्या करोगे अल्टरनेटिव सोलूशन या फिर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करोगे उसको इवालुएट करोगे क्यों भाई आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई अब उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल वर्मेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ़ एक्शन को आप डेवलप करो और इवालुएट करोट करो कर कि मतलब कि अगर ऑप्शन ए चूज चूज करते हो तो तो और फिर फाइनली क्या आता है चॉइस चॉइस यानी कि यहां पर आप क्या करोगे एक जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको चूज करोगे और उसको इंप्लीमेंट कर दोगे और उसको मॉनिटर करोगे क्लियर जो भी आपने डिसीजन लिया है वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे उस डिसीजन से आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं हो रहा है तो उसको आप जो है मॉनिटर भी करते हो तो अप्लाई दी क्राइटेरिया टू सेटल ऑन वन आउट ऑफ मेनी अल्टरनेटिव सोल्यूशन चॉइस में क्या हो गया कि आपको जो मल्टीपल आपने सोल्यूशन डेवलप किए थे डिजाइन में उसमें से किसी एक को आप क्या कहते हो सिलेक्ट करते हो उसको इंप्लीमेंट करते हो और उसको मॉनिटर भी करते हो तो ये जो है तीन मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग के पहला क्लासिकल मॉडल था दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था जहाँ पे बाउंडेड हो जाता है रेशनलिटी जो है बाउंडेड होती है और वहां पे इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हो, तीसरा हारबटर्ट साइमन मॉडल है जहां पे जो ह्यूमन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तीन स्टेजेस से पास करता है पहला इंटेलिजेंस है जहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वॉर्मेंट के लिए और फिर देन डिजाइन करता है यानी कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करता है तो उसको इवेलुएट करता है और फिर फाइनली उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को वो क्या करता है सेलेक्ट कर लेता है तो दैट इज चॉइस विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग